Hey guys, welcome to the new video. So, मैं हूँ भाविक जोशी. मैं हूँ प्रियानी जोशी. Welcome to BJ Food Channel. So guys, आज मैं और प्रियु काफी समय के बाद आए हमारे स्टूडियो में वीडियो शूट करने के लिए. वैसे हम लोग बहुत ही टाइम से फूड व्लॉग ही कर रहे थे, बट अभी जाके हमारा रियल स्टूडियो में एक टास्क वाला वीडियो आया है. अभी भी ब्लॉग ही कर रहा है, टास्क वाला वीडियो आया है. तो भाई, इस वीडियो में मेनली आपको बहुत ही मजा आने वाला है. हम सबसे पहले आपको इस वीडियो का टॉपिक बता देते हैं. सो इस वीडियो का टाइटल है बेबी फूड वर्सेस एडल्ट फूड ईटिंग चैलेंज. और भाई, यहाँ पर जो बेबी फूड होगा उसकी भी ईटिंग चैलेंज होगी, और जो एडल्ट फूड है, जो बड़े बच्चे जो बड़े लोग फूड खाते हैं, वो भी होगा यहाँ पर, उसकी भी चैलेंज होगी. सो गाइस, अभी आप देखो कि हम ये बेबी फूड वर्सेस एडल्ट फूड चैलेंज कैसे करते हैं. और भाई, इसमें टोटली एकदम न्यू हम कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा. और जो टास्क है वो काफी बढ़िया है, आपको बहुत ही मजा आएगा. सो हम सबसे पहले आपको भाई फूड नहीं दिखाएंगे, आपको सबसे पहले हम लोग टास्क दिखाएंगे. यस. सो रेडी प्रियु? हाँ भाई, तो कब से नॉन स्टॉप बोल रहा है, मुझे कुछ बोलना तो क्या करूँ मैं. बट गाइस, एक बात तो है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तब से मैं मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी आ गई है. क्या? एकदम नॉन स्टॉप बोलना. हाँ, फ्लुएंटली कम्प्लीट बोलना. सो रेडी है टास्क के लिए? यस, मैं तो रेडी हूँ. तू रेडी है? हाँ. तो चलो, जंतर मंतर जादू कलंदर कागज मेरे पास. सो ये है एक पेंसिल और ये है ड्राइंग पेपर. सो अभी यहाँ पर हम दोनों को एक कोई भी थिंग ड्रॉ करनी है, कोई भी चीज हमें ड्रॉ करनी है. सो बता, अभी क्या ड्रॉ करना है? कोई फ्रूट. हाँ, फ्रूट में एप्पल लेते हैं. फ्रूट नहीं लेना है, दूसरी कोई चीज जो दौड़ने में, मतलब जो ड्रॉ करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो, ऐसा कुछ चाहिए. टास्क है भाई, कुछ गाइज एक बात बोलू, सच में भाई को ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आता, और स्केच तो बिल्कुल नहीं. और हमें यहाँ पे स्केच ही करना है, पेंट नहीं करना. भाई का मुंह देखो. कोई नहीं गाइज, चलो देखेंगे. मम्मी तू रुक रुक, मम्मी को पूछते हैं. हम दोनों से अच्छा मम्मी की बहुत चॉइस है अच्छी. मम्मी मियाओ. अरे मम्मी मियाओ बोल रही है, मतलब कैट. हमें यहाँ पर कैट ड्रॉ करनी है, और मुझे लगता है शायद मम्मी को बिल्ली ऐसा नाम दिमाग में, इसने मियाओ बोल दिया. चल रेडी? हाँ. सो चलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर मियाओ ड्रॉ करते हैं. सो रेडी? और गाइस, यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम है. सो हम यहाँ पर बहुत ही टाइम लेके ये वीडियो, मतलब कभी टाइम नहीं लेना है, एक दो घंटे. हाँ नहीं, एक दो घंटे तो होता है, उसमें तो कैमरा भी डेड हो जाएगा. चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं. देखो, ये है मेरी कैट और ये मेरी किट्टी. सो गाइज, अभी फाइनली डिसाइड हो चुका है कि मेरी किट्टी बहुत बेस्ट है. Yes, okay? तो और भाई का राक्षस बेस्ट है. लिटरली भी मुझे ऐसा स्केच ड्रॉ करने का परफेक्ट नहीं आता है. हाँ. क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं स्केच बराबर नहीं कर सकता हूँ. बट भाई लिटरली बताऊ, ये मैंने कैट तो ड्रॉ ही नहीं की है, ये मैंने कोई राक्षसी ड्रॉ किया है. कोई नहीं, चलो जाने दो. हाँ कोई बात नहीं, चलो. सो गाइज, ये फर्स्ट राउंड का टास्क मैं जीत गई हूँ. सो मैं अब खाऊंगी एडल्ट फूड एंड भाई बनेगा बेबी बॉय. मैं बेबी बॉय ही हूँ. हाँ, मतलब बेबी बनेगा और बेबी फूड भी खाएगा तू. यस. और बेबी का रिएक्शन भी देगा. ओ, ये सब नहीं होगा मुझे. नहीं, बेबी पूरा बेबी बनना है तुझे. ओते ओते दीदी ओते. हाँ, वो अभी अम्मा मैं जब बोलू तब वो करना. ओके, ओते ओते. सो भाई रेडी? अब रेडी. अब मैं भाई को बेबी बॉय बनाती हूँ. ओके. यस. सो फर्स्ट भाई पहनेगा ये बिल्ली वाली कैप, वो भी पिंक कलर की. ओके. उसमें क्या है, छोटे बच्चों को ऐसा कुछ कलर वलर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता, मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा वन बता दिया. सो गाइस, ये बन गया. ओके. और मुंह बंद रख ऐसे. नहीं, ये मुंह बंद करने का भी एक ट्रिक है हमारे पास. ओके, चल जल्दी मुंह को. कौन हो? चल भाई, रख मुंह में. भाई बहुत ही वियर्ड लग रहा है. नहीं चल, मैंने ये बचपन में भी नहीं किया होगा ट्राई. नहीं किया होगा. अब मुंह में रख, ठीक है? देख, खा मत जाना कुछ. अरे निकल रहा है गाइस, ये फिसल रहा है मेरे लिप्स में से, मैं क्या करूं?
हो गया, हाँ चल कोई बात नहीं, ये एक खत्म हो गया और ये अब है तेरा दिल। बहुत ही शर्म आ रही यार, प्रियू का भी बड़ा बनने की बात, ये बेबी बनने का मौका मिला। Yes. क्या बेबी बनने का मौका मिला? सो ये तेरा दूध ले पी ले। भाई कैसे रहा तेरा एक्सपीरियंस? उसमें क्या एक्सपीरियंस, अभी वियर लग रहा है दूसरा के इतना बड़ा होने के बाद ऐसे कैप पीने और ये बीकर में मिल्क पीना है तो भाई थोड़ा वियर तो लगेगा ही। और गाइस भाई अगर मिल्क ही चैलेंज कर रहा है तो मैं मेरा हॉर्लिक्स वाला द मस्ट मिल्क पीने वाली हूँ, ठीक है? बट अडल्ट की तरह ग्लास में, बच्चों की तरह बीकर में नहीं। भाई ट्राई करेगा? नहीं तो बेबी बॉय है ना, कैसे ट्राई करेगा? वैसे पूरा कंप्लीट करना है? नहीं तो कितना कंप्लीट करना है? नहीं हो गया तेरा खत्म? खत्म मुझे क्या है, मुझे तो जल्दी रखने में मजा ही है। हाँ तो हाय मिलेगा। भाई ये ऐसी गर्मी में ऐसी कैप पहन के भाई बहुत ही गरम गरम हो गया। कोई नहीं चलो अभी बढ़ते हैं सेकंड राउंड के टास्क की तरफ। गाइस ये है सेकंड राउंड का टास्क और भाई इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 बॉल्स है और ये है हमारे पास चॉपस्टिक्स और यहाँ पर है एक बाउल। सो ये जो चॉपस्टिक्स है हमें ये बॉल चॉपस्टिक के सहारे उठाना है और उसको यहाँ पर अपने बाउल में रखना है। सो यहाँ पर टोटल 5 बॉल्स है, मेरे 5 बॉल्स और प्रियो के 5 बॉल्स, यानी कि टोटल 10 बॉल्स है। सो प्रियो अभी बता दे तुझे कौन से कलर के बॉल्स चाहिए? ऑरेंज और मैं ये येलो लूंगा, कोई नहीं। और हाँ गाइस अगर बाउल में ये बॉल जाएगा तभी काउंट होगा, अगर बाउल में से जंप करके बाहर आ गया तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है? ये मैं प्रियू को पहले बता देता हूँ। सो चलो गाइस अभी हम ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1 स्टार्ट। वैसे गाइस आपको दिख रहा है बट अरे देखो यार मैं, अरे मुझे परेशान कर रही है, मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। भाई मुझे लगता है कि हम एक दिन में ये पूरी चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। अभी इसमें दिमाग चाहिए। क्या दिमाग लगा के खेलने का? दिमाग लगा के ऐसे ऐसे होगा तो भाई ऐसे करेगा और ऐसे मैंने टाइम पर किया है। चलो मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, प्रियू हार चुकी है, प्रियू को मिलेगा यहाँ पर, प्रियू को यहाँ पर मिलेगा बेबी फूड और मैं लूंगा अडल्ट फूड। सो गाइस अभी यहाँ पर प्रियू को बनना है बेबी गर्ल। सो उसके लिए जैसा प्रियू ने मेरे साथ फर्स्ट राउंड में किया था ये मैं मतलब बेबी गर्ल में नहीं बनने वाली छोटे बच्चों के साथ क्यों बोल रहे बट होता है ना बड़े बड़े जो होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के साथ अच्छी लग रही होगी क्योंकि छोटे बच्चों की तरह बोल रहे हैं। तो प्रियू ने अभी यहाँ पर कैप पहन ली है और उसके बाद जैसा ये मेरा मेकअप बदला है, हाँ तो तेरे लिए तो मैंने ग्रीन कलर का लिया है स्पेशल। सो बदला ले रहे आ कर आ भाई ये तो खुश हो गए। और चल अभी तू ये कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक है? तुझे वैसे भी कुछ नहीं बोलते पर बोलना नहीं है तुझे। सो गाइस ये है स्टेरल एग। सो ये स्टेरल एग में गाइस क्या आता है, जो वीट है उसके बाद एप्पल एंड बहुत सारी वेजिटेबल्स से भाई उसका पूरा मिक्सचर है। सो ये स्टेरल एग छोटे बच्चों के लिए काफी बढ़िया होता है। सो मेरी प्रियू कितने महीने की है? 14 महीने की मेरी प्रियू। सो उसको ये चलेगा कोई नहीं। सो इसको गाइस मैं रेडी करके आता हूँ, इसको गर्म पानी में उबालना होता है फिर दूध में उबालना होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं, मम्मी मुझे रेडी करके देगी। सो चलो अभी जल्दी जल्दी रेडी करके लाते हैं और हमारी प्रियू बिटिया को खिलाते हैं। सो गाइस अभी स्टेरल एग में प्रिपेयर करके आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हो ये है स्टेरल एग प्रियू का। सो ये ले प्रियू तेरा स्टेरल एग और ये जो अभी है उसको साइड में रखते, वैसे उसको बोलते क्या मुझे वो नहीं पता है। तो ये ले भैया। नो 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 डॉगी क्या नो नो कर रही है? ये ले चल
पहला बाइट भैया का, फिर उसके बाद दूसरा बाइट पापा का, फिर तीसरा बाइट मम्मी का। हाँ मम्मा आएगी, मम्मा बाजार में गए तेरे लिए दूसरा सामान लाने। फिर ये गाय का, और अब तू खुद खुद का नाम बोल के खा ले क्योंकि मुझे भी अभी मेरा अडल्ट फूड खाना है। और गाइस ये है गुलाब जामुन, सो भाई अडल्ट फूड में मुझे ये खाना है। और देख तू छोटी बच्ची है, डॉगी नहीं है, ऐसे मेरे सामने देख मत गुलाब जामुन की तरफ कि ये मेरे है। तू अभी छोटी है ना बेटा, छोटा बच्चा ये खाता है भैया। दिस इज यम्मी, नो अदरवाइज आई टेल माई मम्मी। तो चलो अब ये गुलाब जामुन हम लोग एंजॉय करते हैं। वल्ला मजा आ गया, हो गया बढ़िया है ना। तब भैया तेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं ना, मम्मी को बोल रोज बाजार में जा। ये ले चल अभी एक लास्ट बाइट बीजे फूड चैनल का। अभी एक चैनल और है मेरी जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कर रही है गाइस आपको, जिसका नाम है बीजे द व्लॉगर। सो चलो गाइस अभी हम बढ़ते हैं थर्ड राउंड के टास्क की तरफ। सो गाइस अभी यह है थर्ड राउंड का टास्क जिसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। सो यहाँ पर आपके सामने है 3 ग्लासेस और ये हमारे पास 2 चिप्स जिसमें से एक चिप में लिखा है बेबी फूड और सेकंड चिप में लिखा है अडल्ट फूड। यस मैं भूल गया था। सो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 3 ग्लासेस है उसमें से किसी एक दो में से किसी एक, तीन सॉरी सो यहाँ पर जो 3 ग्लासेस है उसमें से हमें किसी भी 2 ग्लासेस में ये 2 चिप डालनी है और हमें शफल करना है और जो भी हमारा मन पसंदीदा जो ग्लास होगा वो हमें चूज करना है। उसके बाद अंदर जो भी चीट आएगी उसमें जो भी लिखा होगा वो हमें करना है। और हाँ इसमें से एक ग्लास है जो वो खाली रहे, अगर शायद से गलती से मैंने या फिर प्रियु ने खाली ग्लास पसंद कर लिया तो उसमें कुछ भी नहीं होगा तो हमें भी चैलेंज में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही अडल्ट फूड ना ही बेबी फूड। सो रेडी बेबी फूड, सो रेडी प्रियु। सो चलो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं शफल करते हैं। वैसे गाइस ये जो टेक है वो हमने 6 बार ये टेक लिया है इसलिए भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। सो रेडी ठीक है। तब तू पहले चूज कर। ये चल 1 और ये तो खाली है, पहले मैं अपना ग्लास ओपन करता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। ओ मेरा नसीब अच्छा है। क्या है तुझे कुछ आया ही नहीं है। हाँ चलेगा, मुझे बेबी फूड तो बिल्कुल नहीं आता, तो बहुत ही अच्छा है अडल्ट फूड। ओ ये भाई बहुत ही खुश हो चुका हूँ। बट मजा आ गया और अडल्ट फूड में अभी पता नहीं क्या आएगा फूड, बट अभी आप देखो। और सो गाइस अभी यहाँ पर मेरे पास अडल्ट फूड में आया है वड़ा पाव और मैं आपको बता दूं बेबी फूड में इसमें क्या था। इसमें बेबी फूड में थी खिचड़ी जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सब खाते हैं। हाँ। खिचड़ी सोब्रियो को वो सादी खिचड़ी खानी थी तो वो भी उसके नसीब में नहीं है। सो कोई नहीं, अभी तू मुझे देखा कर और मैं अभी ये वड़ा पाव खाऊंगा बहुत ही बढ़िया। भाई कितना खुश हो रहा है ना। मुझे वैसे वड़ा पाव बिल्कुल नहीं पसंद, पता है तुझे। वो तो नसीब में नहीं होता इसलिए ऐसे ही बोलते, अंगूर खट्टे हैं। और हमारी सेकंड भी चैनल है बीजे द ब्लॉगर, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं 4th राउंड की तरफ। सो गाइस ये है 4th राउंड का टास्क। सो इसमें हमें क्या करना है, आपके यहाँ पर सो गाइस आपको यहाँ पर ये बाउल दिख रहा है। सो ये बाउल हम लोग रखेंगे यहाँ पर और ये है ग्लास जिसमें हमने पानी भर कर रखा है, पूरा ग्लास हमने पानी से भर दिया है और इसके ऊपर हमने रखा है एक बॉल। सो गाइस ये जो बॉल है वो पानी पर फ्लोट कर रहा है तो अभी उसमें हमें क्या करना है कि हमें जैसे कि हम लोग कैरम खेलते हैं ऐसे टक करके हम लोग कैरम की गोटी को एक दूसरे के साथ टक्कर करवाते हैं, ऐसे ही हमें सेम यहाँ पर करवाना है। हमें क्या करना है, ये जो बॉल है वो हम ऐसे कट करके मारेंगे और वो डायरेक्ट जाना चाहिए बाउल में, मतलब बॉल को जाना है बाउल में। सो रेडी। सो चलो बारी बारी या फिर नहीं साथ में, बट देख चांस कितने मिलने चाहिए तो ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। 5 क्या 5 कुछ भी 5
थ्री रन है। सो चलो गाइस अभी स्टार्ट कर ले, रेडी? यस। 3 2 1 स्टार्ट। ओ भाई ये तो पानी, ये ले। अभी फिर से किया तो मैं नया बॉल नहीं दूंगा भाई, ये मुझे लगता है मुझे पानी थोड़ा कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। हो गया, मैं चीज खत्म। यस। और गाइस मैं आपको बताना भूल गया, ये जो फोर्थ राउंड है उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, जो भी ये टास्क कंप्लीट करता है उसको भाई बेबी फूड खाना होता है। सो गाइज अब भाई फिर से खाएगा बेबी फूड और बनेगा बेबी बॉय। गाइज अब ये है फोर्थ राउंड जो मैं जीत गई हूँ और भाई हार गए। सो अब भाई बनेगा बेबी बॉय। भाई ही बोल लो मुझे, वो अच्छा है। चल अब फिर से तो ये पहनेगा कैप। चल एक काम कर, तू कुछ बोल मत, मुझे नहीं सुनना है। कब से बक 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 कर रहा है छोटा बच्चा, बस ऐसे ही बैठा रहे। और गाइस ये है मिक्स वेज सूप जो छोटे बच्चों को ही पिलाते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही वियर्ड होता है। छोटे बच्चे को ये मतलब चल जाता है जैसे कि इसको चलेगा अभी। ओके सो निकालते हैं। हाँ तो गाइस वैसे क्या है, छोटे बच्चों को तो भाई स्वाद का तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ। उसको पता ही नहीं होता है कि किसका स्वाद कैसा होता है। हाँ। तो उसके लिए तो सभी एकदम बड़े होता है और भाई ये बिना स्वाद का जो होता है वो काफी उसको बलवान बना देता है, ताकतवर, जैसा आपको मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर है। और ये प्रियु देखो एकदम बांस की लकड़ी मतलब मेरे सामने बांस की लकड़ी, वरना तो मोटी लकड़ी है। और गाइस ये है अडल्ट फूड जिसमें है हाँ, और ये है मंचूरियन सूप। और ये मंचूरियन सूप नहीं है, अगर प्रियु को बेबी फूड आया होता तो प्रियु को पता है कैसा बोलना पड़ता, चंचूरियन सूप। हाँ छोटी थी ना तब मैं मंचूरियन को चंचूरियन और पाव भाजी को पावदाजी पावदाजी बोलती थी। कोई नहीं, चलो अभी मैं ये हुप पीता हूँ। हुप पिएगा। फिर चलो अभी मैं ये एंजॉय करता हूँ मेरा बेबी फूड। वैसे मम्मी की भी यादें ताजा हो गई होगी क्योंकि इतने सालों के बाद हमारे लिए ऐसा वेजिटेबल सूप बनाया, ये सेरेल एग बनाया। हाँ। मम्मी भी खुश खुश हो गई। अच्छा नहीं लगा, टेस्ट नहीं अच्छा है, तो भी पीना पड़ेगा। गलम है। गड़ा नीचे नहीं उतरता, मुझे तो भी एरोप्लेन है। पियू दीदी बच बच नहीं पीना पड़ेगा, नहीं अब लास्ट बाइट बस मेरा भी और ये लास्ट बाइट। पियू दीदी मंचूरियन खाई नहीं, मैं सब खा गई। मम्मा को डांटी करूंगा। सो गाइस अब फर्स्ट राउंड मैं जीती थी, सेकंड राउंड भाई जीता था, थर्ड राउंड फिर से भाई जीता था और फोर्थ राउंड मैं जीती थी। टोटल दो दो राउंड जीत गए हैं दोनों। ओके और यहाँ पर पनिशमेंट हम दोनों को सेम मिल चुकी है। हाँ। और गाइस एक मिनट, और हम दोनों सेम बार बेबी बॉय और बेबी गर्ल बने, आपको किसकी एक्शन ज्यादा अच्छी लगी हो बताना। एक्टिंग हाँ मतलब एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके वैसे भी मेरी एक्टिंग ज्यादा अच्छी हुई क्योंकि मैं बड़ा बच्चा हूँ। सो बनी गाइस, चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हमारे सेकंड भी चैनल है विजेंद्र ब्लॉगर, उसको भी आपको सब्सक्राइब कर देना। सो चलो वैसे भी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।